अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। यत्र विश्वम भवति एक नीडम, अर्थात समस्त विश्व एक घोंसला है और हम सब उसी घोंसले के पंछी हैं। एक कैसा विलक्षण जीवन मंत्र, कैसी विशाल भावना, जिसमें विश्व की कई समस्याओं का समाधान है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। देवाधिदेव महादेव इस समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं और ये ब्रह्मांड उन्हीं की कृपा पर टिका है। जब तक वे चाहेंगे सृष्टि फलती फूलती रहेगी, परंतु जिस क्षण भी महादेव की इच्छा होगी इसका विनाश भी निश्चित है। चिंतन और चेतना का आधार बिंदु शिव ही हैं। ज्ञान, विवेक, साधना, धर्म और सत्य का अलौकिक प्रकाश जहां से फूटता है वह शिव हैं। इस नश्वर जगत में यदि कुछ शाश्वत, अजर और अमर है तो वो एकमात्र शिव ही हैं। शिव की आराधना सदा से होती आई है। विश्व के अनेक देशों में शिव पूजा के प्रमाण मिलते हैं और भारतवर्ष तो शिव की अपनी भूमि है। यहां शिवलिंग को शिवजी का साक्षात प्रतीक कहा गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा अलौकिक कैलाश पर्वत शिवजी का निवास स्थान है और स्वयं कैलाश शिखर एक विराट शिवलिंग की तरह ही दिखता है। भारत में भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों सहित अनेक मंदिर और धाम भी स्थापित हैं जिनका पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व रहा है। ऐसा ही एक पवित्र धाम है शिव खोड़ी। देवाधिदेव महादेव के असीम स्नेह और तेज से परिपूर्ण ये धाम जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो आइए चलते हैं उसी पवित्र शिवखोड़ी धाम की यात्रा पर। शिवखोड़ी यात्रा के लिए सर्वप्रथम जम्मू तवी पहुंचना होता है। यह प्रमुख स्थान भारत के लगभग सभी महत्वपूर्ण शहरों से रेल और सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। मध्यकाल में ये स्थान अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख केंद्र भी था। वर्तमान जम्मू नगर महाराज जम्मू लोचन द्वारा स्थापित किया गया था और उन्हीं के कारण इस स्थान का नामकरण जम्मू हुआ। आज का जम्मू सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है। जम्मू के राजाओं ने समय समय पर यहां अनेक मंदिरों का निर्माण किया जिसके फलस्वरूप जम्मू मंदिरों का नगर बन गया।
समय की कमी के कारण जम्मू के सभी मंदिरों की यात्रा तो संभव नहीं है, परंतु कुछ प्रमुख मंदिरों की यात्रा का अवसर गंवाना भी हमने उचित नहीं समझा। तो आइए शिवखोड़ी धाम की यात्रा के इस क्रम में जम्मू के कुछ मंदिरों के दर्शन कर लें। नगर के लगभग मध्य में स्थित है श्री रघुनाथ मंदिर। सुंदर और भव्य स्वरूप के अलावा ये देवालय अपने कलात्मक निर्माण के कारण भी प्रसिद्ध है। इसके निर्माण कार्य में महाराजा रणजीत सिंह का भी भरपूर योगदान था। मंदिर के परिसर में अनेक देवी देवताओं के मंदिर भी स्थापित हैं। देवाधिदेव महादेव को समर्पित ये दूसरा मंदिर श्री रणवीरेश्वर मंदिर के नाम से विख्यात है। इसका निर्माण सन 1883 में तत्कालीन महाराज रणवीर सिंह ने कराया था। मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। इस शिवलिंग की शानदार गोलाई, ऊंचाई और सुडौल आकृति मंत्रमुग्ध कर देती है। इस विशाल शिवलिंग के अलावा यहाँ अनेक छोटे शिवलिंग भी स्थापित हैं, जो बरबस ही तीर्थयात्रियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। शिवखोड़ी धाम की यात्रा में जम्मू के बाद कटरा पहुंचना होता है। जम्मू से कटरा लगभग 50 किलोमीटर के फासले पर है। कटरा एक घनी आबादी वाला नगर है और यहाँ लगभग सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। समुद्र तल से लगभग 2500 फीट की ऊंचाई पर स्थित त्रिकुट पर्वत के दर्शन यहाँ से होते हैं। त्रिकुट पर्वत वही पर्वत है जहाँ विश्व प्रसिद्ध जगत कल्याणी माँ वैष्णो का धाम है। माँ के धाम पहुंचने के लिए कटरा से एक अलग मार्ग है, जो कि बाणगंगा, चरण पादुका, आद कुमारी इत्यादि पवित्र स्थानों से होता हुआ जाता है और करुणा की सागर माँ वैष्णो देवी को हम लोग यहीं कटरा से ही प्रणाम कर शिवखोड़ी धाम की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। रियासी तहसील के बाद सुप्रसिद्ध चिनाब नदी आपका स्वागत करती है। इस नदी पर आजकल एक सुविधाजनक पक्का पुल बन चुका है, परंतु पहले तीर्थयात्रियों को चिनाब पार करने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ता था। चिनाब दरिया पार करने पर पौनी नामक स्थान आता है। पौनी अपेक्षाकृत छोटा परंतु सुंदर स्थान है। पौनी के बाद आता है भरख। चारों तरफ प्रकृति की अद्भुत छटा से घिरा ये स्थान यहाँ के सुंदर स्थानों में से एक है और यहाँ की आबोहवा चमत्कारी रूप से स्वास्थ्यवर्धक कही जाती है। भरख से आगे चलते रहने पर आता है सुप्रसिद्ध रनसू। रनसू शिवखोड़ी धाम का आधार शिविर या बेस कैंप कहलाता है और यहाँ से आगे तक का मार्ग पैदल का है, इसलिए हम लोग मोटर गाड़ियों को यहीं से अलविदा कह देते हैं। आगे का रास्ता कच्चा, पथरीला, दुर्गम और चढ़ाई वाला है। रनसू से शिवखोड़ी धाम के पैदल रास्ते पर तमाम पहाड़ी नदियां मिलती हैं। इन नदियों की गहराई तो बेशक ज्यादा नहीं होती, लेकिन बहाव बहुत तेज होता है, जिससे चट्टानों से पैर फिसलने का खतरा बना रहता है। एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी पार करना अपेक्षाकृत सुरक्षित उपाय साबित होता है। हम लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और मार्ग में पड़ने वाले मंदिरों के भी दर्शन करते रहते हैं। टेढ़े मेढ़े पैदल रास्ते पर पहाड़ी नदियों का मिलना लगातार जारी रहता है। इन नदियों को पार करने का एकमात्र जरिया पत्थरों से बने ये अस्थायी पुल ही हैं। यहाँ अनेक साधु और बैरागी जन डेरा डाले रहते हैं। इनकी भी दुनिया निराली है। समाज की मुख्य धारा से अलग थलग ये लोग अपने आप में मस्त रहते हैं। ये लोग एक ऐसे तटस्थ परिवेश में रहते हैं जहां ना दुख है, ना सुख, ना कोई अपना और ना पराया। भगवान शिव के प्रति इन लोगों की आस्था बहुत प्रबल होती है। विभिन्न शिव धामों में रहकर ये लोग तंत्र मंत्र और योग इत्यादि से भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करते रहते हैं। इस लंबी और थकान भरी पैदल यात्रा का सुखद अंत होता है।
पवित्र शिव खोड़ी गुफा के दर्शन से। पवित्र शिवलिंग गुफा के भीतर स्थित है। सभी स्वयंसेवी संस्थाएं धन्यवाद की पात्र हैं, जो यहाँ निस्वार्थ भाव से इन तीर्थ यात्रियों की सेवा करती हैं। अपनी सेवाएं देने वाले उन असंख्य और गुमनाम स्वयं सेवकों को भी हमारा प्रणाम है, जो अपना समय निकालकर कष्ट सहते हुए भी तीर्थयात्रियों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। यही तो भारत है और यही है यहां की सुंदर परंपरा। वास्तव में यही स्वयंसेवी संस्थाएं यहां की रौनक हैं, सहारा हैं। वरना इतनी दूर इतना कष्ट सहकर भला कितने तीर्थयात्री यहां आ पाते। इन स्वयंसेवी संगठनों और इनके कर्मठ कार्यकर्ताओं को बारंबार धन्यवाद। शिवखोड़ी गुफा का मुहाना या मुख्य द्वार 15 फुट से कुछ अधिक चौड़ा और लगभग 20 फुट तक ऊंचा है, जबकि गुफा की लंबाई तकरीबन 100 मीटर है। सुरक्षा जांच के बाद एक बार में 100 से 150 यात्रियों का जत्था गुफा के भीतर रवाना किया जाता है और उनके लौटने के बाद अगला जत्था भेजा जाता है, ताकि गुफा के भीतर अफरा तफरी ना मचे। शिवखोड़ी धाम की इस पवित्र गुफा का धार्मिक महत्व क्या है? निश्चित रूप से ये प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा। आखिर क्या विशेषता है इस धाम की, जो इतनी दूर दूर से कष्ट सहकर तीर्थ यात्री यहाँ आते हैं? व्यक्ति के जीवन की भव्य जागृति समग्र राष्ट्र के भाग्य को बदल सकती है, समस्त मानव जाति के भाग्य को भी।